नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है सतारा गांव में। यहां हमारे साथ एक पीड़ित है, उनके परिवार के लोग हैं और इनके साथ जो घटना घटित हुई उस घटना के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, इनसे मुलाकात कराऊंगा। घटना कुछ ऐसी है कि इनके घर के सदस्य जिनका नाम असद काजी है, उनके साथ में 4 तारीख को मारपीट होती है। कुछ लोग उनको बुलाकर रास्ते पर मारपीट करते हैं और एक अकेले इंसान को 4-5 लोग मिलकर मारते हैं। उसके बाद उस मार से उनको इंजरी हुई। हमने खुद अस्पताल में जाकर उनकी सिचुएशन हालात देखे हैं, वो आप वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट में आप देख सकते हैं। हमने खुद वहां जाकर उनकी स्थिति देखी है, उनका इंटरव्यू भी लिया है। तो उनको सर में चोट लगी है, कंधे में चोट लगी है और भी जगह चोट लगी है और उनकी हालत फिलहाल काफी खराब है कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि उनको जिन्होंने मारा, तो जाहिर सी बात है कि एक मामले में एक क्राइम है और क्राइम को लेकर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज भी हो चुका है। लेकिन पुलिस किस तरह से काम कर रही है, पुलिस ने अब तक क्या किया है, इस बात को अगर हम हाईलाइट करें, इस बात को अगर मद्देनजर रखें, तो अब तक जो चीजें इन्होंने बताई ये भी सामने आई है। ऐसा है कि पुलिस जो है फिलहाल बहुत कुछ ज्यादा कर रही हो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इस मामले में 5 से 6 आरोपी वहां एक यहां तक कि वीडियो फुटेज भी आ चुका है, उसमें दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करके आरोपी बनाया है, उसके बावजूद अब तक पुलिस ने किसी आरोपी को नहीं पकड़ा। हां, अलबत्ता एक आरोपी खुद सरेंडर किया और वो आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, उसको पुलिस ने न्यायालय में पेश भी किया और वो पुलिस कस्टडी में है। बाकी के जो आरोपी है वो आरोपी फिलहाल बाहर है, फरार है, पुलिस उनकी तलाश नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, ये मामला काफी सीरियस है और उस मामला सीरियस होने के बावजूद ऐसा इन्होंने हम अभी जब इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि पुलिस का कोऑपरेशन जिस तरह से होना चाहिए नहीं है। तो हम जानते हैं क्या घटना हुई। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मुमताज फारूक काजी। ये जो असद जी है, कौन है आपके? मेरा लड़का है। क्या हुआ इनके साथ, क्या उनको बुला के घर पे से लेके गए और मारे ले गए। उसको इतनी मार लगी है उसके सर के अंदर, वो ज्यादा बात भी नहीं कर सकता है। तो क्यों मारा है, क्या पता नहीं अभी क्यों मारे उन्होंने, तो कोई ऐसा मारता है क्या? लेकिन जान से कितने लोग थे? 5 जन थे 6 जन थे। आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग, मुझे इंसाफ भी चाहिए। कल अगर उसकी जान चले जाती तो क्या करती थी मैं? फिर एक मार के सांप फेंके ले। क्या मांग रही है? मुझे इंसाफ भी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद फारूक काजी। असद जी, आपके साथ क्या हुआ? मैं अपने घर के पास खड़ा था, बाहर 3 लड़के आए बाइक के ऊपर। 3 लड़के आए, उसमें से एक का नाम था अदनान, दूसरे का नाम था अभिजीत, तीसरे का नाम मैं मालूम। मैं बेटा रहा, लोग बोले आगे चल बात करने गए। मेरा क्या हिसाब से बात करने, तो तू हमारे को घूरते रहता था, वो हिसाब से उनकी 1-1.5 महीने पहले की ठसन थी। आगे लेके गए, आगे खड़े रखे, स्वीट सागर के बाद मंदिर है ना, उधर खड़े रखे। 3-4 जान हो रहा है, उसका बड़ा भाई लोग सब आए, 6 जान ने घेरे। फिर एक ने गाड़ी में से कुछ रॉड या कुछ निकाला, सर पे मारा। फिर एक ने कान पे मारा रॉड का फटका, और मैं जगह पे बेहोश हो गया। कभी की घटना है ये? घटना है वेनेसडे के दिन। तो आप बताओ, पहले की ठसन थी तो ठसन क्या हुआ था, क्या मामला था, किस चीज की ठसन थी, किस चीज की दुश्मनी? ठसन कुछ भी नहीं है, तो मैं चाय पीने उधर जाने का ना उनके इलाके में, तो लोग उड़ने रहने का, उसमें एक उड़ते रहता था,
उसके पीछे कुछ कारण? कुछ भी नहीं कारण। आपको कहाँ कहाँ मार लगी अभी? जैसा आपने बताया बुधवार को वेडनेसडे को जो घटना हुई, तो आज सोमवार करीब करीब 5 दिन हो गए, 5 दिन से आप यहाँ अस्पताल में हो। हाँ। कहाँ कहाँ आपको लगी? पूरे बैक पे, पूरे पीठ पे लग गया मार, कंधा फ्रैक्चर हो गया और दिमाग के अंदर फ्रैक्चर हुआ है ऊपर हड्डी। क्या मांग करना आपको प्रशासन से, क्या मांग करना? कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस समय हमारे साथ जो पीड़ित है अशर, उनके रिश्तेदार, उनके घर के परिवार के लोग हैं। हाँ, वो आपको बताएंगे कि घटना क्या हुई। जी, आपका नाम? जुलसी। अशर के साथ क्या हुआ? अशर के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट हुई कि वो जगह से उठ भी नहीं पा रहा था, तो उसको गांव वाले रिक्शा वाले लोग ने देख के उठा के हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहां से उसको चौकी में लेके गए, तो चौकी में हम लोग ने पूरी कार्रवाई की है, केस किए। 4 तारीख की घटना है, इस घटना के बाद में पुलिस की कार्रवाई कैसे? पुलिस की कार्रवाई तो हमको तो कुछ भी नहीं दिख रही, क्योंकि वो आरोपी अभी तक खुले आम घूम रहे, वो कहीं फरार है पता नहीं, और वो चौकी के नजदीक में ही रहते, फिर भी उन लोग ने अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और एक आरोपी है जो कि उनके पास आके खुद से हाजिर हुआ, तो उन लोग ने उनके ऊपर कार्रवाई की, फिर भी हमको ऐसा लगता नहीं कि उन लोग ने कुछ कड़क कार्रवाई इसके ऊपर की है करके। और बाकी सब आरोपी जो है वो अभी तक के फरार है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और जो असद है, मेरा देवर है, वो तो वो अभी तक इतने बुरी तरीके से अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके ब्रेन पीछे के साइड में डैमेज है, उसके शोल्डर में टूटी हुई है हड्डी, लेकिन फिर भी इतना मालूम होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है उनके ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई करके असद को ये इंसाफ दिलावे, इंसाफ दिलावे। आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर से क्या? वही हमको इंसाफ दिलावे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, घर के पीछे खड़ा था वो, उसको बच्चों ने फोन करके बुलाया, लेके गए और पूरी तरीके से उसके साथ मारपीट की है। आयो की किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या करते हैं? पता नहीं, आयो तो एक दो बार आके भी गए अस्पताल में, डॉक्टरों से बात करके गए, तो वो कहते कुछ नहीं, इतना नहीं है, और डॉक्टर हमको बता रहे कि वो मतलब हल भी नहीं पा रहा है जगह पे से, अगर वो हले तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको इतनी तकलीफ है। और वो आयो बोल रहे हम लोग को इससे कुछ नहीं करना, हमको सरकारी अस्पताल में जाके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर पता चलेगा, इधर से लेके जाएंगे उधर टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा। मैं तो उधर खड़ी थी, तो आए थे देखने के लिए, ब्लड लेके गए, फिर भी बोले नहीं, हम लोग जब वापिस अच्छा होके आएगा तो हम लोग उसको सरकारी ले जाके जांच करेंगे, तो हम भी तो प्राइवेट में जांच करें, वो जांच या ये जांच, जांच से मतलब है उनको तकलीफ है, बच्चे को तकलीफ है, फिर भी हम लोग उसको ये नहीं कर रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। 4 तारीख की जो घटना हुई, असद के साथ मारपीट हुई, उसमें आपकी क्या जानकारी है? उसमें जानकारी ये है कि मैं स्टेशन से आ रहा था, तो मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो जब मैं पहुंचा महाकाली मंदिर के पास, तो मैंने देखा लेफ्ट साइड पे एकदम क्राउड है, वहां पे भीड़ लगी है वगैरह वगैरह, तो मैं धीरे धीरे आगे पहुंचा, ट्रैफिक चल रहा था अपना, तो मैं वहां पे गया, तो एक से मालूम करा मैंने रिक्शा में से मुंडी बांध निकाल के पूछते भाई क्या हुआ यहाँ पे, एक ने बोला भाई झगड़ा हुआ ऐसे ऐसे, कि मेरी गाड़ी में पैसेंजर था, मैं उतर के जा नहीं सकता, तो मैं धीरे 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 नजदीक पहुंचा वहां पे, तो वहां पहुंचा तो हमारे मोहल्ले का लड़का अर्षद नीचे बेहोशी की हालत में लेटा हुआ, कि मैं पीछे पैसेंजर को मैंने कन्विंस किया, मैम आप 2 मिनट रुकेंगे, हमारे मोहल्ले का लड़का है वो नीचे गिरा है, क्या हुआ मैं देख के आता हूँ, तो वो पैसेंजर ने बोला ठीक है आप जल्दी आना, 2 मिनट में आ जाना। वहां जाके मैंने देखा कि वहां के लोग मुझे बोलने लगे भाई इसको मारे यहाँ पे बहुत, बोले 4 से 5 जन थे, बोले इतना मारे उसके हाथ में रोड थी और उसको पैर पे माइंड पे और कहाँ कहाँ मारे, मतलब पीठ पे भी आप देखेंगे ना ऐसा वल है, दूसरे इंसान को कोई मारता है जानवर को बाम्बू से उससे ऐसे इतने लंबे लंबे वल है, आप देखिएगा कभी जाके हॉस्पिटल में। तो असद को अस्पताल में आपने बोले? तो असद को हमने उठाया वहां पे रिक्शा लगा के, एक रिक्शा आ रही थी उसके अंदर लेके गए, जाके हॉस्पिटल लेके गए, फिर गए हम चौकी में। आपने वीडियो में देखा कि अस्पताल में हमने असद से खुद बात की, उनकी माँ वहां मौजूद थी, उनसे बात, तो कुल मिलाकर हमने भी फिलहाल प्रशासन से बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह से इनका आरोप है कि प्रशासन जो आयो है वो आयो कहीं ना कहीं इस मामले में उनकी भूमिका थोड़ी संदेहजनक दिखाई दे रही है,
तो हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन चूंकि खुद पीड़ित के परिवार का यह कहना है कि आयोग का जो कोऑपरेट होना चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में फिलहाल ये दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस जो है जिस तरह से काम करना चाहिए अपना काम नहीं कर रहे हैं। सही मायने में एक इतना बड़ा मामला हुआ, एक मायने में राइट कहा जा सकता है, दंगा कहा जा सकता है, उस दंगे के में अभी भी कुछ आरोपी कुछ क्या लगभग सभी आरोपी फरार हैं, और क्या पुलिस उनको ये मौका दे रही है कि वो जाकर बेल ले ले, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सवाल बड़ा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, खबर के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर करें। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।